नमस्कार पंजाब केसरी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। केंद्र सरकार ने भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 20,000 करोड़ रुपए की रक्षा परियोजना को हरी झंडी दे दी है। रक्षा क्षेत्र के मेक इन इंडिया मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप केंद्र सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए 5 बेड़ा समर्थक जहाज यानी फ्लीट सपोर्ट शिप के निर्माण को मंजूरी दी। इन जहाजों के तैयार होने के बाद समुद्र में तैनात नौसेना के बेड़े को ईंधन, हथियार और भोजन भरने में मदद मिल सकेगी। सूत्रों के अनुसार शीर्ष स्तर पर मंजूरी प्राप्त इस महत्वपूर्ण परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है, जिसमें 5 उन्नत जहाजों का निर्माण किया जाना है। 5 जहाजों का निर्माण विशाखापट्टनम स्थित रक्षा मंत्रालय का हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड करेगा। 8 सालों में ये जहाज तैयार हो सकेंगे। आपको बता दें, HSL को भारतीय नौसेना ने 5 फ्लीट सपोर्ट जहाजों के निर्माण के लिए नामित किया था। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को अगले 8 साल के अंदर इन जहाजों का निर्माण करके नेवी को दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से हर जहाज का वजन लगभग 45,000 टन होगा। उच्च स्तरीय सूत्रों के हवाले से ये भी पता पड़ा है कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना को केंद्र सरकार ने बुधवार यानी 16 अगस्त को एक उच्च स्तरीय बैठक में अंतिम मंजूरी दे दी है। 5 फ्लीट सपोर्ट जहाजों का निर्माण HSL की ओर से भारतीय निजी क्षेत्र के छोटे और मध्यम उद्यमों के सहयोग से किया जाएगा। स्वदेशी रूप से बनाए जाने वाले जहाज सरकारी निर्देशों के अनुरूप भारतीय नौसेना के आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भरता लक्ष्यों को भी बढ़ावा देंगे और समुद्र में इनकी अहम भूमिका भी रहेगी।